गैस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी न्यूज देने वाले हैं टीम 7 को लेकर। और जैसा कि आपको पता है इनकी बेल हो गई, लेकिन बेल तो होगी लेकिन उस कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ वो आपको बताने वाला हूँ। और उसके अलावा टीम 7 के एक नए सॉन्ग को लेकर भी बताने वाला हूँ। और यहाँ पे गीमा आशी को लेकर भी एक नया सॉन्ग आने वाला, तो वो सॉन्ग कौन सा होगा, कहाँ अपलोड होगा, कब अपलोड होगा, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज वो ये कि बेल तो हो गई लेकिन अब इनकी जो टिकटॉक आईडी मिस्टर फिजू हसन सद्दू की, इनकी टिकटॉक आईडी कब तक मिल जाएगी इसके बारे में आपको न्यूज देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नहीं आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप और भी नेक्स्ट वीडियो के जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख लीजिए टेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं कुछ हटके। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टीम 7 के बेल को लेकर, आखिरकार कोर्ट के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ जो कि इनको जो बेल है वो मिल गई, परमानेंट बेल मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडवोकेट अली काशिप है, जो कि टीम 7 के एडवोकेट अली काशिप, इन्होंने तो मना कर दिया था लेकिन फिर भी यहाँ पे पब्लिक और इनके फैंस है, टीम 7 के फैंस, इनकी डिमांड को देखते हुए इनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी। वैसे में ये मतलब इस केस को रिप्रेजेंट करने पहुंचे, वो भी विदाउट पेपर। ठीक है, मतलब इनके पास 29 और 30 तारीख का जो पुलिस वाला जो पेशी थी वहाँ पे मिस्टर फिजू हसन सद्दू की, उसका पेपर वर्क नहीं था, फिर भी ये वहाँ पे गए। ठीक है, तो आखिरकार अब कोर्ट के अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पे जो एडवोकेट अली काशी है उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि मतलब जो सामने वाली पार्टी थी, ठीक है, मतलब जो सामने वाले जो अगेंस्ट के जो वकील थे या फिर अगेंस्ट के जो भी केस लड़ रहे थे, उन्होंने मतलब दलील रखी कि मतलब मिस्टर फिजू हसन सद्दू को लेकर मतलब उनको पुलिस कस्टडी चाहिए एक दिन की। तो यहाँ पे इनके जो जज है उन्होंने कहा कि मतलब आपको किस लिए चाहिए, एक क्वेश्चन पूछा कि आप कोई भी वजह बताइए। तो ऐसे में मतलब जो सामने वाले जो अगेंस्ट के जो वकील थे वो कोई भी एक मतलब वजह नहीं बता पाए कि इनको इस वजह से इनको कस्टडी चाहिए। तो फिर ऐसे में जो जज है उन्होंने कहा कि मतलब आप इनको लेकर ही क्यों, मतलब इस मामले आखिरकार आपने ये केस ही क्यों फाइल किया। ठीक है, और उसके अलावा केस किया है तो फिर आप वो पर्सन माफ़ी भी मांग रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा कि मतलब इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो कि बड़े बड़े गजब गजब बड़े मतलब एक काफ़ी सारे ऐसे विवाद वाले बयान दे रहे, तो फिर आप उनको क्या उनको लेकर कुछ केस लाइए, उनको लेकर अगर केस लड़ सकते तो फिर आप इनको लेकर केस लड़िए, और अगर आप चाहते कि आपको कस्टडी चाहिए तो फिर आप एक कोई भी एक वजह दीजिए तो फिर हम सोचेंगे कि आप इसको लेकर कस्टडी देने को लेकर कस्टडी देनी है या फिर नहीं देनी है। तो ऐसे में मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं हो सका। ठीक है, तो ऐसे में जो जज है उन्होंने मतलब एक तरीके से देख सकते हैं, तो इन्होंने ये कहा कि मतलब इन्होंने माफ़ी मांग ली और इस चीज़ को लेकर इनको जो बेल मिल गई। ठीक है, मतलब पहले जो आपको पता है पहले जो बेल मिली थी जो इंटरिम बेल थी, लेकिन अब यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो परमानेंट बेल मिल गई है। तो फिर अब बात करते हैं मतलब इनकी टिकटॉक आईडी इनको कब तक मिल जाएगी। ठीक है, तो टिकटॉक आईडी कब तक मिल जाएगी इसकी जो मैं इन्फॉर्मेशन है आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। उससे पहले बात करते हैं जो मतलब टीम 7 को लेकर एक नए सॉन्ग को लेकर, तो यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आई है जो मिस्टर फिजू ने पोस्ट डाली कि टीम 7 को लेकर एक नया सॉन्ग आने वाला, जिस सॉन्ग का टाइटल होने वाला नज़र न लग जाए। और इस सॉन्ग के अंदर मतलब अभी जो है इन्होंने जो फोटो अपलोड किया हमने इंस्टाग्राम पे, उसके अंदर तो टीम 7 और जुमाना खान और उसके अलावा जो सिंगर है रामजी गुलाटी वो नज़र आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में देखा जाए तो हो सकता है यहाँ पे इसके सिंगर रामजी गुलाटी हो सकते हैं और उसके अलावा जुमाना खान भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब जो ये जो सॉन्ग इस जब भी रिलीज़ होगा या फिर इससे रिलेटेड कोई भी और न्यूज़ आती है फिर मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो उससे अब बात करते हैं गीमा आशी के बारे में, तो गीमा आशी को लेकर भी एक नया सॉन्ग आने वाला है, इस सॉन्ग का नाम होने वाला है टैटू, और ये सॉन्ग आने वाला नवाब के साथ में, इनकी इसके जो सिंगर है नवाब होने वाला है। और इस सॉन्ग को वायरफ यानी कि यशराज फिल्म स्टूडियो पे अपलोड किया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। और उसके अलावा ये सॉन्ग मतलब कब अपलोड होगा इसकी तो अभी डेट नहीं है, लेकिन इसको लेकर कोई भी न्यूज़ आती है फिर मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना के बता दूंगा। तो अब बात करते हैं कि मतलब आखिरकार जो टीम 7 है इनकी आईडी इनको कब तक मिल जाएगी। तो यार मतलब इनकी जो आईडी है ये मतलब जब कब मिलेगी इसको लेकर मेरे पास एक परफेक्ट न्यूज़ है। अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता लेकिन टीम 7 की आईडी को लेकर आपको परफेक्ट न्यूज़ देने वाला हूँ, एकदम 100% सही न्यूज़ है। तो फिर वो वीडियो नेक्स्ट अपलोड करने वाला हूँ, अगर देखना चाहते हैं इनकी आईडी को लेकर तो फिर न्यू वीडियो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो उसकी अपडेट मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर है कोई सुझाव आपको कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।